दिल्ली के मुल्तान नगर में आम आदमी पार्टी की निगम प्रत्याशी मिथिलेश पाठक वार्ड 60 के द्वारा पदयात्रा निकाली गई। हम तो जी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, केजरीवाल जी के साथ हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर थी, कुछ भी काम नहीं हो पाया है। बिल्कुल भी सड़कें गली सब जगह गंदगी गंदगी रहती है। हम तो इनके साथ हैं, हमारा सबका वोट आम आदमी पार्टी के साथ। बीजेपी ने 15 साल राज करा, कुछ भी नहीं करा। नालियों में कूड़ा भरा पड़ा है, सब जगह गंदगी है। बीजेपी ने कुछ नहीं करा। इस बार एमसीडी में केजरीवाल आनी चाहिए। आने वाले समय में एमसीडी के इलेक्शन में केजरीवाल को ही आना चाहिए। वो ही दिल्ली को अच्छे ढंग से संभाल सकता है और संभाल रहा है। और पार्टी भी है, पर अब की बार केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए। ठीक है जी, पहले वो 15 साल से काम कर रहे हैं, तो अब इनको मौका मिलेगा, ये और अच्छा बेहतरीन काम करेंगे। इस पदयात्रा में लोगों का बड़ा समर्थन मिला। पदयात्रा में मिथिलेश पाठक ने लोगों के घर घर जाकर वोटों की अपील की, साथ ही मिथिलेश पाठक को लोगों का समर्थन मिला। अब की बार एमसीडी में पूरे दिल्ली निवासी केजरीवाल जी का फुल बहुमत के साथ एमसीडी में लेके आएंगे जी। और जब काम पूरे होंगे एमसीडी के अंदर, कोई लड़ाई झगड़ा न होगा। सब गलियां रोड केजरीवाल ही सफाई करिए, कूड़े के ढेर वही एक उठवा सकता है। नहीं, 5 साल में बीजेपी का तो कई साल हो गए देखते देखते। अब की बार हम एमसीडी में केजरीवाल को ही लेके आएंगे। प्लीज यहाँ पे लाइट लगाओ, यहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं जाता है, यहाँ पे सांप भी निकल सकते हैं। आम आदमी पार्टी में 13 साल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सारे काम होते हैं और हमें इसे प्रसन्नता है कि आगे अच्छा काम करते रहेंगे, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। इस पदयात्रा में मिथिलेश पाठक के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के नारे लगाए। हम आपके काम से बहुत खुश हैं, हमारी पूरी तसल्ली है कि जो काम आप आदमी पार्टी कर रही है वो कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस और बीजेपी को तो हमने पहले देख ही लिया है, तो अब एक चांस जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। और जैसे दिल्ली सरकार काम कर रही है, ऐसे ही एमसीडी में भी काम होंगे और लोगों का वेलफेयर बहुत अच्छा होगा।